सो जय साथियों, मेरे तेज सार चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लॉगिंग क्लास का बिगनिंग चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग, पूरा ब्लैंक नॉलेज है, उन लोगों के लिए ये सीरीज़ रहेगा। और आज जो है पार्ट वन है। अब इसके पीछे इसका रीज़न यही है कि बहुत लोग जो है मोटिवेट हो जा रहे हैं कि हाँ, कोई इतना कमा रहा है, कोई इतना कमा रहा है, प्लस कोई फ्रेंड शेयर कर दे रहा है कि भाई मैं ब्लॉगिंग करके मैं इतना कमा रहा हूँ, या फिर कोई बोल दे रहा है उसको कि भाई साइड चला के इतना कमा रहा हूँ। तो लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा बोल क्या रहा है, ब्लॉगिंग साइड ये सब क्या होता है, कैसे कमाता है, कैसे नहीं कमाता है। तो आज से जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम लोग यार, पार्ट वन आज का होगा यार। इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं, ब्लॉगिंग क्या होता है, और सही वे से कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो है, जो पहले के पुराने खिलाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग एकदम नए, एकदम नए, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उन लोगों के लिए ये आज का जो क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यार, ब्लॉगिंग होता क्या है? तो ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट चलाना क्या होता है? तो सिंपल भाषा में हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या है कि हर चीज़ के लिए एक दुकान है। चावल दाल के लिए दुकान है, मोई दुकान है, कपड़े के लिए अलग दुकान है, तेल के लिए अलग दुकान है, कुछ पार्ट्स खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका अलग दुकान है। मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग दुकान है, जहाँ से हम जाते हैं कुछ ना कुछ उसको ले लेते हैं सामान। कोचिंग करने के लिए एक अलग जगह है, स्कूल है एक अलग जगह पर जहाँ जाते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है। गुरुकुल कहीं और है, वहाँ पर जाते हैं हम नॉलेज लेते हैं। मंदिर भी है, वहाँ पर जाते हैं लोग अपना जो भी होता है आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए हम लोग के पास एक फिजिकल जगह जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ जो है वहाँ से वो चीज़ लेते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन के रूप में हो या फिर वो सर्विस के रूप में है या फिर कोई प्रोडक्ट के रूप में हो। समझ में आ गया? उसी तरह से ऑनलाइन भी दुकान होता है, सिंपल भाषा में यही है वेबसाइट। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में ऑफलाइन बहुत सारा दुकान होता है, उसी तरह से ऑनलाइन भी दुकान होता है, जिसको लोग बोलते हैं वेबसाइट। समझ में आ गया? ऑनलाइन जो है उसको लोग बोलते हैं वेबसाइट। अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या है कि कोई दुकान पास में है, कोई दूर में है, कोई बहुत दूर है, कोई किसी और देश में है, कोई किसी और ग्रह पर है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है कि सब जितना वेबसाइट है, कहीं भी हो वर्ल्ड में, कहीं भी हो, हम लोग यहाँ ब्राउज़र खोलते हैं अपना, उसके बाद उसका एड्रेस टाइप करते हैं और वो जो वेबसाइट है संग संग हम लोग के पास खुल के आ जाता है और हम लोग जो उससे नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि मैं कोई साइट खोलता हूँ डायरेक्ट, और उसको जो है मतलब कोई न्यूज़ वेबसाइट डायरेक्ट मैं एड्रेस खोलता हूँ और यहाँ पर आता है, मैं उसको न्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट जो है मेरे साइट कहीं भी हो, वेबसाइट जो है कहीं पर भी हो, वो मेरे वेब पेज पर मतलब मेरे ब्राउज़र में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, ब्राउज़र में ऑटोमेटिक आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखो, एक और बात है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर जो दुकान होता है, बहुत सी दुकान है ना। जैसे मान लो कि मुझे मिठाई ख़रीदना है और मेरे आसपास करीब 5-6 दुकान है मिठाई का, तो मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ भाई मिठाई कहाँ अच्छा मिलता है, रिश्तेदार से पूछूँगा, रिलेटिव से पूछूँगा, माँ बाप से पूछूँगा, जो मिलेगा उससे पूछूँगा भाई कैसा मिलेगा यहाँ पर, ठीक मिलेगा। दुकान जाऊँगा एक बार खा के भी देखूँगा भाई, देखते पहले टेस्ट करके खा के कि कैसा भाई तेरा मिठाई, उसके बाद तैसे लूँगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत सारा साइट है, बहुत साइट का लोग नाम जानते भी नहीं, क्योंकि यार कहाँ कहाँ साइट है, क्या क्या नाम है हम लोग पता नहीं। आसपास हो तो देख लेते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में दो दुकान वकान देख के मतलब समझ आता है कि हाँ इसका दुकान है उसका दुकान है, लेकिन ऑनलाइन तो यार बहुत दूर दूर तक है। अब किसी को भी खोलूँगा तो मेरे ब्राउज़र में आ जाएगा संग संग, तो मैं एक बेस्ट वाला कैसे खोलूँ, बेस्ट जो वेबसाइट है उसको कैसे खोलूँ, मतलब जो अच्छा दुकान है ऑनलाइन जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैं ढूंढ रहा हूँ उसको मैं कैसे ढूंढूँगा ऑनलाइन। तब हम लोग सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में बहुत सारा सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, यांडेक्स है, बायडू है, बहुत सारा है, 5-6 है जो फेमस चल रहा है। याहू तो गधे में चला गया, उसका हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो भारत में बहुत फेमस है वो है google.com या google.co.in, जैसे कि अभी है हमारे पास गूगल बाबा के नाम से ही फेमस है या फिर गूगल गुरुजी के नाम से ही फेमस है। अब ये क्या करता है गूगल, जैसे हम लोग का पड़ोस में या फिर किससे पूछते हैं कि ये वाला सामान कहाँ मिलेगा, तो वो लोग का जो एक्सपीरियंस रहता है उस हिसाब से बोलता है कि हाँ भाई वहाँ जाए, वहाँ पर सामान अच्छा मिलता है। उसी तरह से गूगल भी जो है, गूगल क्या करता है, जितना भी साइट है सबको रखा है अपने पास, जितना भी वर्ल्ड में साइट है प्रयास किया है जितना हो सके उतना साइट को अपने पास रखने का, और उसमें से जो सब सही है, जो सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, जो सही सर्विस दे पा रहा है, उसी को जो है टॉप में रखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में आते हैं, कुछ सर्च मारते हैं, जैसे कि मैं सर्च मारता हूँ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट डेट, ठीक है। मैं सर्च मारा,
अब जो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो साइट रहेगा जो एकदम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा है, वो जो है टॉप में आ जाएगा। सो यहाँ पर दिखा रहा है 2019, ये जो है व्हाट विल बी कंडक्टेड ऑन 23 मार्च, सो सॉरी 23 मई, 23 मई को जो है ये इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है कि मोदी सरकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोदी सरकार तो आएगा ही, चाहे जो भी हो जाए उसको तो आना ही है, जरूरी है अभी। सो 23 मई का जो है यहाँ पर दिखा दिया रिजल्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो दुकान सबसे अच्छा है, जो सबसे सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, वही जो है टॉप में आता है ऑनलाइन वर्ल्ड में। अब ये सही सही बहुत मामले में होता है, ये गूगल डिसाइड करता है, प्लस बहुत सारा रैंकिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, जो हम लोग बाद में समझेंगे, अभी नहीं। ठीक है, समझ में गया? तो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में दुकान है, वैसे ही ऑनलाइन जो है दुकान होता है। ठीक, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग दूसरों से पूछते हैं कि भाई कौन सा दुकान अच्छा है कौन सा खराब है, वैसे ऑनलाइन जो हम डाटा डाइट गूगल में मारते हैं, टप टप टाइप इनपुट करते हैं, उसके बाद गूगल बोल देता है हम लोग को कि हाँ इस साइट में जाओ या उस साइट में जाओ। समझ में गया? तो समझ में आ गया। अब आता है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना वेबसाइट कैसे खोलें और उसके लिए क्या क्या सामान लगता है, ठीक है, और ख़र्चा कितना लगता है। ठीक, अब देखो इससे पहले हम लोग इनकम के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकम जो है मेन पार्ट है। इनकम ही नहीं रहेगा तो मोटिवेट नहीं होगा, तुम कोर्स वीडियो देखोगे नहीं, बोलोगे इनकम दिखाई नहीं रहा क्या देखें। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि वो जो बंदा है जो दुकान खोल के रखा है, वो अपना सामान बेच के पैसा कमाता है, सामान बेच के पैसा कमा रहा है, या कोई रिचार्ज वाली दुकान है तो कोई रिचार्ज बेच के पैसा कमा रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा दुकान है जहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ बेच ही नहीं रहा, बस दुकान खोल के रखा है, कोई सर्विस नहीं दे रहा, दुकान खोल के रखा है, तब भी वो पैसा कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा होगा? मान लो कि मेरे पास एक दुकान है और कोई चौराहा मोड़ पर है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, भीड़ भाड़ है। मैं क्या किया, मैं बोला वीवो को फ़ोन किया, ओप्पो को फ़ोन किया कि देखो यहाँ अपना बैनर लगवा दो, बहुत भीड़ भाड़ है, दुकान है मेरा, बड़ा सा बैनर लगवा लो यहाँ पर, तुम्हारा फ़ोन खूब बिकेगा। वीवो वाला आया, ओप्पो वाला, दोनों आ गया, दोनों तो सेम ही है, दोनों आ गया, दोनों आके अपना बैनर लगा दिया। मतलब एक ही बंदा आया, दो बैनर लेके आया, लगा दिया अपना। ठीक है, उसका सेल बढ़ गया, उसका बदले में क्या करेगा वो, मुझे महीने का 8,000, 10,000, 12,000, एक फ्रेंड को मिला तो 25,000 तक मिलता महीने का उसको, सिर्फ बैनर लगाने का, सोचो। ठीक है, 25,000 तक वो मुझे महीने महीने का देगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मेरा जो साइट है एक ऐसा जगह पर है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे होता है, कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, दुकान बस ऐसे खुला हुआ था, मैं कुछ बेच भी नहीं रहा हूँ, बस जाकर बैठ के देता था क्या हो रहा है। एक दिन फ़ोन किया वीवो को, ओप्पो को, कि आओ बैनर लगा दो, बैनर लगा दिया, वो लोग बैनर लोग देख रहे हैं, अब वीवो ओप्पो जो है मुझे पैसा दे रहा है महीने का 20,000, 25,000 जो भी दे रहे हैं। ठीक, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही होता है, तुम्हारा साइट है चल रहा है, गूगल के थ्रू लोग जो सर्च मार के खोल रहे तुम्हारा साइट, क्योंकि तुम्हारा साइट क्वालिटी है। जैसे कि देखो यहाँ में सर्च मारा लोक सभा इलेक्शन रिजल्ट डेट, क्या आ गया, विकिपीडिया आ गया, फिर इंडिया टीवी, इंडिया टुडे आ गया, फिर और भी बहुत सारा आ गया। अब चलो इंडिया टुडे को डेमो दिखाता हूँ। जैसे देखो ये साइट जो है, देखो मैं इसको एड ब्लॉकर बन के दिखाता हूँ, ये क्या एक साइट है, देखो ये साइट है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पहला जो है यहाँ पर देखो किसका लोगो आ रहा है, हिटाची का आ रहा है, और उसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट का आ रहा है, मतलब दो कंपनी का यहाँ पर एड शो कर रहा है। अब फिर देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है गूगल का, गूगल एडसेंस का जो है एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें जो है रिसेलर होस्टिंग का ऐड दिखा रहा है, यहाँ पर भी ऐड दिखा रहा है। ठीक, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और भी ऐड दिखेगा, ये सब जो ऐड है ये सब दिख रहा है, ये सब बहुत अधिकांश जो सब ऐड है, ये सब जो ऐड है। ठीक, फिर देखो यहाँ पर एक ऐड है, फिर इसका खुद का ऐड है, फिर देखो यहाँ पर ऐड है, मतलब एक साइट पर 5-6 ऐड लगा हुआ है। अब कोई इस ऐड में क्लिक मारेगा तो क्या होगा, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसको इनकम जाएगा। ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है उसमें क्या है कि ऐड देखने से ही मतलब लगा देगा बैनर, वो तुमको महीना महीना फिक्स देगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है कि वो महीने वाला सिस्टम बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है, अधिकांश होता है क्लिक बेस पर। तुम्हारा साइट है, तुम खोले हो, कुछ भी कंटेंट दे पा रहे हो, कुछ भी सर्विस दे रहे हो, लोग बाबा तुम्हारा साइट खोल रहा है, वहाँ पर गूगल एडसेंस का ऐड लगा दियो, उसमें क्लिक के हिसाब से गूगल एडसेंस पैसा देगा। ठीक है, वी पर पैसा देता है लेकिन क्लिक पर ज़्यादा देता है पैसा, क्लिक जो है मेन है। ठीक है, तो क्लिक पर फोकस करेंगे कि ऑनलाइन जो है क्लिक पर पैसा देता है गूगल। समझ में आ गया? वेबसाइट में जो है इनकम कैसे होता है, क्लियर हो गया? ऑनलाइन जो साइट बनाते हैं उसमें जगह जो खा लेते हैं वहाँ पर जो है गूगल का ऐड जो एडसेंस है वो ऐड लगा देते हैं, और वो जो अपने सबसे अलग अलग ऐड दिखाता रहता है, ऐड में क्लिक होता है तो हम लोग को इनकम मिलता है। ठीक, अब बताया कि साइट या ब्लॉग कैसे खोला जाए, साइट या ब्लॉग कैसे खोला जाए। तो जैसे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में खोलने के लिए एक जगह लेना पड़ता है, हम लोग कोई भी जगह खरीदते हैं या भाड़ा पर लेते हैं,
अब वहाँ पर जाके ईंटा ऊँटा जो भी हो जो है लेबर वो लगा के उसको जो खड़ा करते हैं बिल्डिंग वहाँ पर जो है खोलते हैं। ऑनलाइन वाले में भी ऐसा ही होता है, जगह लेना पड़ता है हम लोग को और फिर कोडिंग करके उसको जो है साइट बनाना पड़ता है हम लोग को कोड करके। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में जो दुकान बनाते हैं उसको ईंटा वोटा लगा के बनाते हैं सीमेंट में डाल के बालू डाल के, उसी तरह से ऑनलाइन वाले जो बनाते हैं वेबसाइट उसको प्रोग्रामिंग करके HTML CSS अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज है उससे जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, समझा रहा क्या बोल रहा हूँ? अब देखो अगर आप नए नए हो, नए नए ब्लॉगिंग करने आ रहे हैं, नए नए फील्ड में हो, तो उतना कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत सारा पहले से ही वेबसाइट है जो तुम्हारा हेल्प करेगा एक वेबसाइट बनाने में, जैसे कि है blogger.com, वो भी फ्री में, कुछ पैसा नहीं। blogger.com, blogger.com क्या है, गूगल का ही है वेबसाइट जो ब्लॉगिंग करने के लिए बोलता है कि आओ ब्लॉग करो, ब्लॉगिंग करो, मेरा एडसेंस लगाओ, पैसा कमाओ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये क्या है कि blogger.com है, यहाँ पर जाओगे बस, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में क्लिक मारोगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू ब्लॉग का, न्यू ब्लॉग में क्लिक मारने के बाद जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टाइटल डालने का और एड्रेस चूज करने का। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जो दुकान खोलते हैं दुकान का एक नाम देते हैं, सुधीर मिष्ठान, कुछ भी नाम, मतलब जैसा दुकान होता है उस हिसाब से हम लोग जो है नाम देते हैं उसका, रावी राजीव टेलर, अलग अलग नाम लोग रखते हैं जिस चीज़ का दुकान है उसके हिसाब से प्लस अपना ब्रांड नेम जोड़ के। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई बड़ा मॉल खोल रहे हैं जिसमें कोई फिक्स ही नहीं है क्या सामान बेचूंगा, मल्टीपल सामान रखने वाला हूँ, तो उसमें जो हम लोग कोई नाम ऐसे देते हैं जो यार पूरा को कवर कर ले, जैसे कि बिग बाज़ार, ठीक है, आर बाज़ार, नीतीश बाज़ार, कुछ भी नाम दे देते हैं, या फिर जेड मॉल, अलग अलग नाम देते हैं जो नाम से या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी समझ में ना आए लेकिन पूरा ओवरऑल चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर सब सामान मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी साइट पे भी अगर तुम लोग श्योर नहीं हो कि किस चीज़ के ऊपर मुझे डालना है कंटेंट, तो कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं नाम देता हूँ jednews.com, सॉरी jednews.com नहीं, जेड न्यूज वाला, ऐसे नाम दे दिया, कुछ इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, नाम के पीछे अभी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैं बहुत ही मल्टीपल कंटेंट वाला बना रहा हूँ वेबसाइट, तो इसमें कोई नाम देने का स्पेसिफिक जरूरत नहीं है। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर है तो बात अलग है। अब आता है थीम, जैसे दुकान का अलग डिजाइन होता है तो ऐसे यहाँ पर जो है ब्लॉगर में कुछ कुछ डिजाइन दे दिया गया है ताकि तुम्हारा साइट जो है एक स्पेसिफिक डिजाइन में खुले। तो मुझे डिज़ाइन पसंद आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका जो है क्रिएट ब्लॉग में क्लिक मारता हूँ और ये हो गया, हम लोग का जो है पहला एक वेबसाइट खुल गया। इतना सिंपल है यार वेबसाइट खोलना, इतना सिंपल हलवा है यार वेबसाइट जो है खुलना, हलवा है। ठीक, ये जो हम लोग का साइट खुली है newswala.com, देखो newswala.blogspot.com, मतलब अभी तो पैसा पे नहीं किए हैं, फ्री में तो ऐसा ही मिलेगा, jednewswala.blogspot.com। अगर चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ jednewswala.com ही चाहिए या फिर कुछ इस तरह से www.jednewswala.com, तो इसके लिए यार पे करना पड़ेगा, डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, वो हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे। आज का जो क्लास है हम लोग ब्लॉगिंग होता क्या है। ठीक है, सो हम लोग जो है एक साइट खोल लिए हैं जिसका नाम है jednewswala.com। अब जैसे ये साइट खोले हैं जो गूगल है, गूगल जो है कुछ दिन बाद अपने आप ढूंढ लेगा कि हाँ एक नया साइट खुला है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी संग के संग गूगल को बोल देना है कि भाई जल्दी से आओ मैं एक नया साइट खोल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए गूगल सर्च कॉन्सोल हम लोग सर्च मारेंगे गूगल में, गूगल SERCH सर्च कॉन्सोल, गूगल सर्च कॉन्सोल हम लोग लॉगिन करेंगे और इसको जो है हम लोग लॉगिन करेंगे, यहाँ पर जो अपना साइट ऐड करेंगे। तो क्या स्टेप है, स्टार्ट नाउ में करो क्लिक, अगर आईडी नहीं तो आईडी बना लो, उसके बाद जो है देखो पहले से मैं इसको ऐड कर रखा हूँ एक, और फिर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड प्रॉपर्टी का, उसमें क्लिक मारोगे ये बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो तुम्हारा वेबसाइट का एड्रेस है उसको जो यहाँ पर पेस्ट मार देना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो देखो यार, बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही कम लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं कि सब पैसा कमाएं। ठीक है, कंट्री में क्लिक मार दिए, अब जो है ये गूगल जो वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये दुकान जो है आपका ही है। ठीक है, अपने भाषा में गूगल ये बोल रहा है कि आपका दुकान है ये, हम लोग पैसा वेरीफाई कर लिए। ठीक, अब यहाँ पर दिख रहा है URL इंस्पेक्शन, इसमें क्लिक मारोगे और फिर जो साइट का नाम है उसको दोबारा पेस्ट मारोगे। ठीक है, दोबारा पेस्ट मारोगे, अब जो ये क्या करेगा डाटा निकालेगा साइट का कि हाँ क्या है, तो सारा डाटा निकाल दिया ये, और ये क्या है कि अभी इंडेक्स नहीं किया, मतलब गूगल जो है इसको अपने रिकॉर्ड में नहीं रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट इंडेक्स, इसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हाँ इसको जो तुम इंडेक्स कर लो, क्योंकि मेरा नया दुकान है jednews.blogspot.com, अब ये इंडेक्स कर लेगा इसको, और डिपेंड करता है टाइम
5-6 मिनट, 7-8 मिनट, कभी कभी भी 1-2 घंटा लग जाता है, ठीक है, बस ये सबमिट कर दो तो ये जो है 24 घंटे के अंदर जो है ये कर लेगा। अधिकांश टाइम में तो संगसंग हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। हम लोग साइट खोले फ्री में और गूगल को बोल दिया कि देखो ये मेरा साइट है, ठीक है। अब देखो जो सर्च कंसोल है इसमें जो है गूगल, अब ये आ गया है तो जो ओवरव्यू है यहाँ पर क्लिक मारोगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ कितना ट्रैफिक आया, कितना लोग सर्च किए हैं, तो कितना लोग जो है इसको दिखाया है मेरा साइट को गूगल, ठीक है। यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग डिटेल्स दिखाएगा कि हाँ कौन कौन साइट जो है क्या क्या हुआ है। अभी एकदम नया साइट है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी दिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब आता है कि जो साइट हम लोग का बन गया है जेड न्यूज वाला .blogspot.com, इसमें कुछ कंटेंट शेयर करना है। जैसे दुकान में जो हम लोग उसका कुछ सामान शेयर करते हैं, कुछ कुछ चीज़ शेयर करते हैं, बिना शेयर करे तो लोग आएगा नहीं। अब फिजिकल रोड में क्या होता है कि अगर तुम्हारा रोड का चौराहे के मोड़ पर एक दुकान है तो तुम खोल दिया तो यार लोग तो जा रहे हैं ऐसे ही तो देखेंगे, लेकिन साइट में लोग आए इसके लिए तुमको कुछ कंटेंट डालना ही पड़ेगा। सोचोगे कि कुछ भी नहीं डालेंगे लोग ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तुमको डालना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि पहला एक पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है, वेबसाइट के लिए हम लोग जो कुछ डालते हैं कुछ चीज़, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल लिखना या फिर पोस्ट लिखना हम लोग बोलते हैं उसको अपने भाषा में। तो पोस्ट का दो चीज़ होता है, टाइटल होता है और उसके बाद कंटेंट होता है, टाइटल और पोस्ट का कंटेंट, या बोल सकते हैं पोस्ट का आर्टिकल। तो टाइटल ध्यान देना जरूरत है, टाइटल जो है हम लोग ऐसा ही रखेंगे जो लोग को पसंद आए और लोग जिसको सर्च मारता होगा। तो मेरे पास एक वीडियो है कोलकाता, कोलकाता ये काफ़ी पहले का वीडियो है, 1 साल होने वाला है, ठीक है। सो मैं इसका जो है इसका मैं टाइटल जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस डेमो दिखाने के लिए, जस्ट डेमो दिखाने के लिए तुम्हें कॉपी कर ले रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग कॉपी ही करना है, ऐसे डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। ये डाल दिया, उसके बाद जो है वीडियो का यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो के यूआरएल कॉपी कर लिया। अब फिर जो यहाँ पर मैं वीडियो में क्लिक मार के ध्यान से देखो, फिर यहाँ वीडियो में यूआरएल पेस्ट मार देता हूँ और ये आ गया, मैं इसको जो है इम्बेड कर दिया और छोटा सा मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख देता हूँ। तो आर्टिकल लिखना क्या है, इसको कॉपी पेस्ट मार देना है बस, जो पहले से ही है बना हुआ, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है इसको जो मैं कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ सिंपल सा, ठीक, ऐसे ही डेमो दिखाने के लिए तुम लोग को, ठीक है। छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, उसका जो यहाँ पर पब्लिश कर दिया, पब्लिश। तो हम लोग का जो साइट में जो है पहला एक आर्टिकल आ गया, ठीक है, देखो पहला आर्टिकल आ गया कुछ इस तरह से। आपको गूगल में सर्च मारेगा तो कोलकाता टू पटना सोलो राइड, तो ये पेज जो है खुल जाएगा। अभी तो ये खुलेगा क्योंकि अभी ये इंडेक्स नहीं हुआ है, गूगल जो अपने आप आके इसको इंडेक्स कर लेगा, मतलब अपने पास रख लेगा, लेकिन तुम श्योर नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। तो फिर इसका यूआरएल कॉपी करो, फिर जाओ यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन में, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट मार दो, अब फिर इसको इंटर मारो, अब फिर इसको रिक्वेस्ट करो इंडेक्स करने के लिए। तो फिर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडेक्स कर लो इसको। गूगल क्या करेगा, उस पेज को अपने पास रख लेगा, ठीक है। उसके बाद जब कोई सर्च मारेगा कोलकाता टू पटना, उस हिसाब से गूगल क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि हाँ कौन साइट को मुझे टॉप में रखना है, कौन को नीचे रखना है। लेकिन सब साइट आएगा, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में, थर्ड पेज में, कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ में आया कैसे काम कर रहा है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग इसे पूछते हैं पड़ोसी से, फ्रेंड से कि भाई ये सामान कहाँ मिलता है, उस तरह से गूगल से पूछते हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगा मुझे, गूगल जो ढूंढ ढांड के देगा, लेकिन जो बेस्ट होगा वही देगा गूगल। पड़ोसी भले झूठ बोल देगा अरे वहाँ मिलता है, लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता है, गूगल प्रयास करता है कि जो एकदम सही है, जो सटीक है, उसी को जो है गूगल पहले दिखाए, ठीक है। सो ब्लॉगिंग का सिंपल सा आंसर था यार, ब्लॉगिंग जो भी हम लोग कुछ आर्टिकल लिखे ना, अभी जो हम लोग आर्टिकल लिखे इसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग, या जो भी लोग ऐसे सिंपल से टाइटल दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दिए, इमेज डाल दिए, ये सब कर दिए, इसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग सिंपल भाषा में, ठीक, समझ में आ गया क्या है ब्लॉगिंग और कैसे इनकम होता है। होप करो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो यार, और अगले पार्ट में और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड। अभी सीरीज शुरू किया हूँ ताकि जो लोग नए हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं ब्लॉगिंग से, उन लोग के लिए हेल्पफुल हो, ताकि कुछ कर सके यार। इस फील्ड में भी पैसा अच्छा है, इस फील्ड में अच्छा पैसा आएगा, सही से करो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। होगा तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए बाय।